के 18 करोड़ का पाकिस्तान और सिर्फ एक इमरान खान। मुझे एक उम्मीद सी इसके साथ है जिसको आप इमरान खान के नाम से याद कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि उसको चांस मिल जाए। पाकिस्तान में आधा इनकलाब आ चुका, अब सिर्फ इसको चैनलाइज करने की जरूरत है। मेरी तरफ से दुआएं आपको कि आप कामयाब हों, मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो वाकई पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इनका इरादा हो पाकिस्तान में खुशहाली आए। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों, जो नियत आप लेके चले हैं उसमें आप कामयाब हो। मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे, इसलिए क्योंकि आप कई सालों से इसमें लगे अटल रहे हैं। योर फर्म इन योर कन्विक्शन एंड योर स्टिल एट इट। जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी इलेक्शन की जीत सेलिब्रेट करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। नसीब थी वो माँ जिसकी कोख से ऐसा बच्चा इस कदर हसीन और इस कदर शुजात वाला लड़का बच्चा पैदा हुआ, जिसके इतने बुलंद इरादे हैं। और खुश नसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले इमरान के अजीज व अकारिब, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजात वाला हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है इस ऊंची मंजिल पर। इमरान साहब, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम आपके शामिल हाल हो। इमरान खान के मुतालिक बात जानता हूँ। पाकिस्तान के उन लोगों में इमरान खान का शुमार है जो वतन अजीज के लिए उनकी खिदमत काबिल तहसीन काबिल तारीफ है। इमरान खान इस एतबार से कि मुल्क के अंदर और सियासी लोगों के अंदर मेरे नजदीक इस वक्त सबसे ज्यादा दयानतदार आदमी से कहा जा सकता है, लोगों की अमानत को सही इस्तेमाल करना, मेरे नजदीक इमरान खान के अलावा कोई और आदमी जहन में नहीं आता। अल्लाह ताला इमरान खान को जज़ाए खैर अता फरमाए। ने काफी डिलीवर किया, देयर इज नो डाउट। उसने अवेयरनेस एक दी है लोगों को, आवाम को उसकी सपोर्ट हुई है और उसने प्रूव किया है कि मैसिवली आवाम इस हुकूमत के खिलाफ है। ऑनेस्ट आदमी है, देयर इज नो डाउट। पेट्रियोटिक आदमी है, एक उसमें जज्बा है विच इज गुड, दीज आर गुड क्वालिटीज। लेकिन आप यकीन करो, मैं इमरान की जगह पे होता 2, 4, 5, 6, 7 साल तो ढीठों की तरह लगा रहता, फिर मैं कहता लाना और जा गिरफ्तार को काम। वो शेर का बच्चा डटा रहा, वो तन्हा हुआ और कई बार हुआ। इस सवाले से उसका करियर जहीरुद्दीन बाबर से मिलता है। दो बंदे रह गए, चार रह गए, छह रह गए, लेकिन उसकी उसके अज़्म में, इस्तकलाल में, उसके अल्लाह पाक की जात में, उसके ईमान के अंदर कोई झोल नहीं आया। अच्छा, ऐसे आदमी को भी अगर ना आजमाए तो वो बदनसीब कौन है। का वाज़े टारगेट है कि मैंने इस मुल्क में लूट मारना करनी है ना होने देनी है, और लोग बेनिफिशियरी होंगे। वो यार नहीं है, वो चालाक नहीं है, उसको नौसरबाजी करनी नहीं आती। वो इमरान खान है एडमिनिस्ट्रेटर, वो सबसे अच्छा है। उसने शौकत खाना में बताया, उसने यूनिवर्सिटी वो जो कॉलेज बनाया उसमें बताया, उसने टीम में बताया, मेरिट पर डिसीजन करता है। बुजदिल वो नहीं है, लालची वो नहीं है, खौफजदा वो नहीं होता जो अदालतों का सामना कर सके, जो मेरिट पे फैसले कर सके, जो क्रूनीज को न पाले, जिसके पैसे मुल्क से बाहर ना हो, जो गैर मुल्कियों से खौफजदा ना हो। कमाल है, ऐसा आदमी है हीरा। ये वतन अमानत है और तुम अमीर हो, ये वतन।